एसओजी एसआईटी ने सारा खुलासा कर दिया है, एजी एसओजी पीएचक्यू सबने बोल दिया है, उन्होंने जांच कमेटी बिठा दी, जांच कर ली हर जगह पे, उनको यही मिला है कि पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है। तो भजनलाल जी आपको निर्णय लेना चाहिए, हम युवा पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेके ये तमाम युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, आज यहाँ क्यों बैठे हो? सर हम एसआई भर्ती के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, मतलब युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो युवा अपनी कड़ी मेहनत करके पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये आरपीएससी के जो अध्यक्ष है, ये मिलजुल के पेपर बेच रहे हैं पैसों में, और अपने ही परिवार रिश्तेदार खानदान इनके ही बच्चों को सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, जो कुछ नहीं जानते अभी फिलहाल। जो राजस्थान एसआई में जो फर्स्ट रैंक आई थी, जिस लड़के को, जिस युवा को ये पता नहीं है कि अपने भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उसको ये नहीं पता और उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, तो आप देख लो कितना गफला हुआ है इस भर्ती में। तो मेरी तो यही है सरकार से मांग, मैं तो पहले भी बहुत धरने प्रदर्शन कर चुका हूँ, सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द किया जाए। इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द किया जाए। कुछ और भी युवक युवतियाँ हमारे साथ में मौजूद हैं, आज आप यहाँ पर बैठे हो, क्या परेशानी है आपको एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर बैठे हो? लेकिन एक प्रमुख सवाल ये भी है कि सरकार में ही शामिल डॉक्टर किरोरी लाल मीणा भी आप लोगों की आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक शायद वो आवाज़ सुनी नहीं गई है, क्या लगता है? सर जब आरपीएससी के और सरकार जब उसमें मिली हुई, उनके सदस्य जब पकड़े जा चुके हैं, जब सरकार को पता है कि हमारे सदस्य इसमें मिले हुए हैं, उन्होंने जांच कमेटी बिठा दी, जांच कर ली हर जगह पे, उनको यही मिला है कि पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रही है, फिर भी भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है? तो सर हम सिर्फ इस भर्ती को, और सर इसी भर्ती का नहीं, पेपर तो हर एक भर्ती का लीक हो रहा है, फिर सरकार, और इस हद तक अगर ये पेपर लीक हो गया, फिर अगर इसमें भी अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, तो पेपर तो सारी भर्तियों के लीक होंगे फिर। और सर पता है जब घर से तैयारी करने निकलते हैं, लोग वैसे ही बोलते हैं कि भाई पैसों का खेल है, ऐसे ही नौकरी नहीं लगती, तो सर इस चीज़ को कहीं ना कहीं बढ़ावा ही मिलेगा फिर, तो यही चीज़ है कि जिनके पास पैसे है वो पेपर खरीदे और नौकरी लगे, और जो बेचारा गरीब है, जो किसान जो गाँव में ढाणियों में रह रहे हैं, वो बस वही करे, उनका जीवन, उनके आने वाली पीढ़ियों का जीवन वही है फिर। जाहिर सी बात है इन युवाओं की यही परेशानी है कि गरीब परिवार से आते हैं, किसानों के परिवार से आते हैं, इनका कहना है कि हम पूरे साल भर हम मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उसके बाद हमें ये पता पड़ता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो पूरी जो इनकी मेहनत होती है, ना सिर्फ वो मेहनत बेकार हो जाती है, बल्कि उस मेहनत पे जो इनका घर का जैसे तैसे जुटाया गया धन है वो भी खर्च हो जाता है। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर एसआई भर्ती 2021 को रद्द की जाए और जल्दी से जल्दी न्यू भर्ती निकाली जाए। अभी जैसे कि यहाँ से भी बार बार बोला जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी आपका साथ देने आए थे, 4-5 दिन यहाँ पर बैठे थे, सरकार में शामिल हैं, उनका भाई अभी दौसा से चुनाव भी लड़ेगा, तो उनको क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि वो तो सरकार में ही है जी। पर सर एसआई भर्ती 2021 के विरोध में तो किरोड़ी लाल काफी रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंटों के साथ हैं। क्या लगता है कि उनके जैसा व्यक्तित्व भी अगर आप लोगों की मांगे नहीं मनवा पा रहा है, कहाँ पे कमी छूट रही है? सर ये एसआई के बड़े बड़े जो मतलब वो सरकार में बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके ज्यादा किरोड़ी लाल की इतनी मान नहीं रहे कोई भी, तो सर मतलब ज्यादा से ज्यादा धरना प्रदर्शन करें और जल्दी से जल्दी इसको रद्द करके न्यू भर्ती निकाले। बाकी बच्चे कब से वेट कर रहे हैं न्यू भर्ती आए, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बाकी रह गए, और जो चोरी छुपे और पैसे खिला के परीक्षा पास कर रहा सर, उनका तो कोई मतलब नहीं, तो आगे आने वाले सालों में तो फिर ऐसे एसआई बनने वाले क्या ही मतलब सर। मिला के मांग यही है कि इस प्रकार के जो घोटाले हो रहे हैं पेपर लीक माफिया के कारण, जो नुकसान इन बच्चों का हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा, यही मांग ये यहाँ से उठा रहे हैं। आप मेरे पीछे, आप ये पूरा इन बच्चों ने ये पूरा तैयार करा है कि कब कब एसआई भर्ती और पेपर लीक को लेके अखबारों में खबर आई थी। आप देख सकते हैं ऊपर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की भी फोटो लगी है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, आपने भी ये खबर देखी होगी,
कि जयपुर के केंद्र से ही एसआई भर्ती का पेपर लीक होने की खबर आई थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने उसे बहुत, हम कह सकते हैं, मजबूती से उठाया था। उनके पास सबूत भी थे, जिन जिन लोगों ने पैसे खाए थे वो भी वो सरकार को दे चुके हैं। जो कह सकते हैं जो जिम्मेदार है, जो इसकी जांच करते हैं, जो इन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ते हैं, उनके हर एक सबूत सरकार के पास है। उसके बाद भी इन बच्चों की यही मांग है कि सारे सबूत आप लोगों के पास है, सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, उसके बाद भी अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो आखिर किसके पास है। कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। इतना सब कुछ हो चुका है, तमाम जो सबूत हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने पैसे खाए हैं, वो हर एक चीज़ डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और आपके जो हम कह सकते हैं जो आप लोगों के भी जो साथ में जाते हैं वो सरकार तक वो सबूत दे चुके हैं। उसके बाद भी अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, क्या लगता है कहाँ मामला अटक रहा है? देखो साहब, भजन लाल जी की बनाई हुई एसओजी एसआईटी ने सारा खुलासा कर दिया है। एजी एसओजी पीएचक्यू सब ने बोल दिया है। तो भजन लाल जी, आपको निर्णय लेना चाहिए। हम युवा पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आने वाले टाइम में जो फर्जी जो थानेदार बने हुए हैं, ये आने वाले टाइम में डिप्टी बनेंगे, एसएचओ बनेंगे, ये क्या करेंगे? भ्रष्ट कर देंगे पूरे सिस्टम को। भजन लाल जी, आपकी ही किरकिरी होगी इसमें, हम युवाओं का कुछ नहीं हो रहा। हम तो बेरोजगार हैं, फिर डोल लेंगे कहीं ना कहीं। भाई आपकी आपकी सरकार की भी तो थूतू होगी इसमें। भजन लाल जी, मैं तो एक ही मांग करता हूँ, जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में अब कुछ बचा नहीं है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप तो अपनी कमेटी ने भी बोल दिया है। तो भजन लाल जी, जल्द से जल्द आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर आपकी सरकार, इस भाजपा सरकार, एसआई भर्ती परीक्षा को उपचुनाव से पहले रद्द नहीं करती है तो युवा सड़कों पर उतरेगा और आपका बिल्कुल विरोध करेगा। उपचुनाव में आपको भारी सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो बस ऐसा ही कहना चाहता हूँ, चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कहना है यहाँ पर बैठे इन तमाम युवाओं का, जो एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं। और जाहिर सी बात है, इन युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो भी समझने लायक है, क्योंकि इस एसआई भर्ती से रिलेटेड और पेपर लीक से रिलेटेड जो भी सबूत जो सरकार के पास में मौजूद है, तो इन युवाओं का जो आक्रोश है वो सिर्फ इस वजह से है कि अब आपके पास हर एक चीज़ मौजूद है, किसने पैसे दिए, किसने पैसे नहीं दिए और कौन कौन इसमें शामिल है, वो तमाम जब सबूत आपके पास हैं तो अभी तक इन युवाओं के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है। इन युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि कितनी बार हम अपने पेपर की तैयारी करें, कितनी बार हम हमारे माँ बाप से पैसा लेकर इस तैयारी में लगाएं और कितनी बार हम हर शहर शहर जाकर उस एग्ज़ाम को दें, उस एग्ज़ाम को पास करें और कितनी बार इस पेपर लीक जैसी खबरों की वजह से हमारे पेपर रद्द हो जाए। तो हर बार जब ये होगा तो फिर इन युवाओं के पास रास्ता क्या रह जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपना जो भविष्य है वो सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के बीच में जो एक सबसे बड़ी जो रुकावट है, जो कड़ी है, वो यही पेपर लीक माफिया है, वो यही लोग हैं जो पैसे देकर पेपर खरीदते हैं और इन युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। तो कुल मिला के ये युवा आज यहाँ से यही मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए, पेपर लीक माफियाओं को जेल के पीछे पहुँचाया जाए और एसआई भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए ताकि इन युवाओं के साथ न्याय हो सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।